हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके हो। अगर कर चुके हो तो कमेंट करें यस। और बच्चों, साथ साथ जो भी आप लोग अभी काम कर रहे हो, वो सारे के सारे काम को करके मेरे पास पर्सनली आपकी उसकी फोटो सेंड किया करो। डेली जो आप लोग काम करते हो, डेली ही उसकी फोटो मेरे पास सेंड किया करो। ठीक बच्चों, बहुत सारे बच्चे करते नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, उनके हम नाम नोट करते हैं और उन्होंने जहां तक काम किया है उसको हम नोट करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है और अपना सारा काम कंप्लीट करना है। ठीक, अभी हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज आती है। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक किया था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कि किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। वही कंसेप्ट अब हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज में लगेगा। ठीक बच्चों, क्या है, कोई भी पॉलीगन है उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम, जैसे ये कोई पॉलीगन है, एक्सटीरियर एंगल इंटरनल तो यहां बनते हैं अंदर की तरफ, बाहर की तरफ एंगल ये बना है, ये बना है, यहां ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला है, ये वाला है, तो इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब पॉलीगन चाहे ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन, मीन्स कोई भी हो, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री ही बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक, अब देखिए फर्स्ट सम क्या है, ये टॉपिक है हमारा। टॉपिक देखिए क्या है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम। The sum of the measurements of the exterior angles of any polygon is equal to 360 degree. ये वही concept है जो आपको बताया गया था previous video में, और जो आपको comment करने के लिए भी बोला गया था। बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था, बहुत सारों ने किया था, लेकिन आपको करना है अभी। ठीक है बच्चों, सब कुछ आपकी चीज जो आप लोग करते हो, आपको बोला जाता है, वो नोट होती है, आप लोग बात मानते नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी सभी को करना है कमेंट, ये पूरी स्टेटमेंट लिख के कमेंट करना। देखिए बच्चों, फर्स्ट हम क्या है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, दो फिगर है, एक और एक दो, ये पहले कराना है, ये आपको अपने आप करना है। इसके अंदर एक्स की वैल्यू निकालनी है, ट्राइंगल बनती है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, पॉलीगन चाहे कोई भी हो, सभी का सम कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना आएगा बच्चों, 360 डिग्री आएगा। देखें, इनको ऐड कर लो और किसके को रख दो, 360 डिग्री के, जैसे ही 360 डिग्री के हम इनको रखेंगे तो हमारे पास यहाँ सोल्व करके कितना जाएगा, x की वैल्यू 110 डिग्री आ जाएगी बच्चों, x कितना जाएगा 110 डिग्री, x भी पूछ सकते हो, कर लेंगे बच्चों सोल्व, ये है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं हम, इसमें भी क्या करना है, एक एंगल ये है, आपको पता है कितने का, ये 90 डिग्री का है, सिंबल लगा रखा है राइट एंगल का, ये 70 का है, ये x है, अगर ये 90 है तो ये भी कितना आएगा, ये भी 90 आएगा, और ये 60 आ जाएगा। इन सभी को सम करके 360 रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सोल्व कर लेना, x की वैल्यू जो आएगी कमेंट करना, कमेंट करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोलता है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स, दो पार्ट आ गए। क्या पूछा है, हर एक एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल किसका, किसी भी पॉलीगन का, और उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड है, 9 साइड्स है बताना है, मतलब पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल बताना है। पॉलीगन भी कैसी है बच्चों, रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन जानते हो, जिन जिन बच्चों को रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन पता है कमेंट जरूर करें, करना है कमेंट। ठीक बच्चों, उस रेगुलर पॉलीगन में हर एक एंगल इक्वल होता है, हर एक एंगल कौन सा, इंटरनल एंगल आएगा। अब जब बच्चों किसी भी पॉलीगन के सारे इंटरनल एंगल इक्वल है तो वहां से हमारे पास एक रिजल्ट और आता है, उसी पॉलीगन के सारे एक्सटर्नल एंगल भी इक्वल आएंगे। जिस पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो वहां पे एक्सटीरियर भी इक्वल आएंगे। ठीक बच्चों, और हर एक एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमें पता ही है कितना होता है, 360 होता है, इस रिजल्ट का यूज करेंगे और सम हमारा हो जाएगा। तो बच्चों दो पार्ट है इसके, मैंने एक पार्ट कराना है
सेम टू सेम कंसेप्ट पे सेकेंड पार्ट होगा, वही वर्डिंग आएगी, वही इसका प्रोसीजर होगा, आपको करना है, ठीक है। देखिए, वी नो दैट इन रेगुलर पोलीगन ऑल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। समझ गए बच्चों, सारे इंटीरियर और सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरा, एंड सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए पोलीगन हैविंग नाइन साइड्स इज 360 डिग्री। पोलीगन है, कितनी भी साइड्स हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी भी, हमें कोई मतलब नहीं है 9 है, 10 है, 15 है, 12 है, तो हमने यहां 9 क्यों लिखा, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक। तो याद, अगर 9 साइडेड पॉलीगन है तो 9 साइड होंगी और 9 एंगल्स होंगे, 9 इंटीरियर एंगल होंगे, 9 एक्सटीरियर एंगल होंगे, और सारे के सारे इंटीरियर इक्वल है और सारे के सारे एक्सटीरियर भी इक्वल है। एक्सटीरियर का सम बच्चों हमें पता है कितना होता है, 360 होता है। तो हमने क्या किया, लेट ईच एक्सटर्नल एंगल इज एक्स, हर एक कितने आएंगे, 9 आएंगे, क्योंकि 9 साइडेड है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ सभी का हमने सम किया, किसके अकॉर्डिंग के बच्चों, 360। तो ये कितना आ गया, 9x आ गया, एक्स की वैल्यू निकाली, कैंसिल आउट करके 40 आ गई। दस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री, कितने आ गए बच्चों, 40 डिग्री, सिंपल सी बात है। अब सेम प्रोसेस है, साइड कितने आ गए बच्चों हमारे पास, 15। अगर साइड 15 है तो एंगल कितने आएंगे, एंगल भी 15 आएंगे। तो यही लिखना है हमें, सबसे पहले लाइन यहां क्या आएगी, वी नो दैट, सेकेंड लाइन, इन रेगुलर पॉलीगन ऑल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये लाइन यहां पे एज इट इज आ जाएगी बच्चों। फिर सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग, अब 9 की जगह कितनी साइड्स आ जाएंगी, 15 साइड्स आ जाएंगी, क्योंकि 15 गिवन, ठीक है बच्चों, 15 साइड आ गई, ये वाली लाइन भी एज इट इज आ गई। चेंज कितना आ गया, 9 को चेंज कर देना किसमें, 15 में। फिर लेट ईच एक्सटीरियर एंगल इज एक्स, ये भी एज इट इज लिखना। फिर बच्चों यहां तो 9 साइड्स थे तो 9 एंगल होंगे, यहां 15 एंगल होंगे, हर एक एक्सटीरियर एंगल को एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे करते करते x plus x कितने लिखने हैं हमें, ये 15 लिखने हैं बच्चों, 15 टाइम्स x आ जाएगा, इक्वल टू द, पता ही आपको, यहां 9x आया था, यहां कितना आ जाएगा बच्चों, 15x आ जाएगा। फिर यहां से बच्चों आपको x की वैल्यू निकाल देंगे, 15 को इसकी डिवाइड में लेके चले जाना, कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और वो x कौन आएगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल किसका, पॉलीगन का, कौन सी पॉलीगन जिसमें 15 साइड्स है, ठीक है बच्चों, सिंपल है, कर लेना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, कि एक रेगुलर पॉलीगन के पास कितनी साइड है, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, कौन सा एंगल है बच्चों, ये एक्सटीरियर एंगल, कितना, 24 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। टोटल सम हमें पता है 360 डिग्री होगा, अगर उसको, किसका सम है वो, एक्सटर्नल एंगल्स का, टोटल सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स को हम इस 24 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाती है, सिंपल है बच्चों। देखें टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना आया, 360 डिग्री आ गया। फिर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री, देन द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सॉरी क्या है हमारे पास, देन द नंबर ऑफ साइड्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स, इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, टोटल एंगल को एक एंगल से डिवाइड करा दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया। इसका मतलब क्या है, टोटल साइड्स कितनी हो गई, 15 डिग्री, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। जब एक एक्सटर्नल एंगल दे रखा हो किसका, रेगुलर पॉलीगन का, और साइड्स पूछ लेता है हमारे से, इससे पहले वाले में उल्टा था, उसमें क्या दे रखी थी, साइड दे रखी थी, एंगल पूछ लिया था, अब यहां पे एंगल दे रखा है, साइड पूछ ली, तो हमें क्या करना है, टोटल 360 होता है, उसको एक एंगल से डिवाइड करा दो, और एंगल भी कौन सा, एक्सटीरियर एंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें से थोड़ा सा चेंज है, बस यहां भी नंबर ऑफ साइड ही पूछी है, लेकिन एंगल भी दिया उसने, लेकिन वो एंगल कैसा है बच्चों, इंटीरियर है ना कि एक्सटीरियर, कैसा एंगल है,
इंटीरियर, यहां कैसा था एक्सटीरियर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस इंटीरियर एंगल की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही एक एक्सटीरियर एंगल हम निकालेंगे वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। देखें इंटीरियर एंगल कितना है, 165 डिग्री है, फिर क्या निकालना है एक्सटीरियर एंगल। और बच्चों याद रखना, जब भी हमारे पास एक इंटीरियर एंगल दे रखा होता है और वहां से हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है तो हम उसको 180 में से माइनस कर देते हैं। कैसे, ये मान के चलो कि मेरे पास एक इंटीरियर एंगल 30 डिग्री है, कौन सा एंगल है इंटीरियर, वहां से अगर एक्सटीरियर निकालना हो तो मैं उसको 180 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ऐसे ही अगर इंटीरियर एंगल मेरे पास 110 दे रखा है और एक्सटीरियर निकालना पड़ जाए तो इसको 180 में से माइनस कर दो तो मेरे पास आ जाता है बच्चों एक्सटीरियर एंगल। ये हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया 180 में से माइनस करके। फिर क्वेश्चन वही होगा ऊपर वाला, एक्सटीरियर एंगल है, नंबर ऑफ साइड्स पूछ लिया, तो क्या करें 360 को इस एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो तो हमारे पास 24 आ जाता है। 24 क्या है, 10 पॉलीगन्स हैव 24 साइड्स, सिंपल है बच्चों।